भूचाल यानी कि अर्थक्वेक कब आता है? जब धरती के बाहर का पर्यावरण, बाहर जो भौगोलिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया हो रही है वो अंदर समाती जाती है और तब हमारी धरती यानी कि अर्थ रिवोल्ट करती है और उसका रिजल्ट होता है अर्थक्वेक यानी कि भूचाल। हमारा शरीर अर्थ की तरह ही है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, कल्चरल, पर्सनल, प्रोफेशनल, उस सब का असर अर्थ यानी कि हमारे शरीर पर पड़ता है। अब अगर हम बाहरी प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर लें तो अर्थक्वेक नहीं आएगा, हमारा शरीर रिवोल्ट नहीं करेगा, कोई भी विकार नहीं आएगा, हम समस्याओं से डील कर सकते हैं। और एक समस्या जो मेरे जीवन में, जो मेरे खुद के ही अनअवेयरनेस कह लीजिए, कोई गाइड नहीं मिला या ढूंढा नहीं, या मीडिया इन्फ्लुएंस कह लीजिए, वो रहा बालों पे। बाल बहुत खराब कर लिए, जब जागो तब सवेरा। तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुक्ड राइस वाटर जिसको मैंने रख दिया था, थोड़ा सा जेल फॉर्म में हो गया, बट आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट रमिंग इट ऑन माई पाम्स। सर धोने से पहले कुछ ऐसा पौष्टिक आप अपने शरीर को, अपने स्कैल्प को ज़रूर दें, ताकि अंदर जो हो रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। और बस इसको छोड़ दूंगी। और मेरे पहले हेयर कंडीशनिंग वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये जो बाल हैं उसके लिए नेचुरल कंडीशनर, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, बस हल्का सा ये ऑलरेडी जेल से, राइस जेल से वेट हो गया है, और थोड़ा सा उसी से कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी से आप इसको हल्का सा गीला कर लीजिए। और इसमें कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल बस लगा लीजिए। नो कंडीशनर, नो फैंसी, नो एक्सपेंसिव कंडीशनर्स रिक्वायर्ड। लीव इट जस्ट फॉर 20 मिनट्स। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट छोड़ दीजिए। ये मेरे बाल बन गए। आप शावर कैप भी लगा सकते हैं। एंड इट्स रेडी फॉर अ हर्बल वॉश। आई यूज़ माई ओन शैम्पू जो मैं खुद बनाती हूँ, हर्बल, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, जो बालों के लिए जेंटल है, डेली वॉश के लिए। सो शुभ सुबह, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग।